हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टैरो 777। मैं हूँ नेहा। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन फॉर द वीक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, दैट इज फ्रॉम द 2nd of November टू द 8th of November 2020, राइट। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या है एनर्जीज, कैसा रहने वाला है मीन राशि के लिए ये पहला हफ्ता, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020। Now it's a general reading, so it may or may not resonate to everyone who's watching. So take what resonates and leave the rest. Now let's find out ki kaisa rahega first week of November for all our Pisces sign, for all the Pisces people. पहले हम करियर देख लेते हैं कि करियर वाइज ये वीक कैसा रहेगा फॉर ऑल द Pisces पीपल, देन वील टॉक अबाउट लव, राइट। ओके, सो मे बी आई एम सीइंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ न्यू बिगनिंग और न्यू ऑफर। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कैसा रहेगा ये वीक फॉर अवर पाइसिस पीपल इन देयर करियर एंड देयर फाइनेंस। लेट्स फाइंड आउट। नाउ फॉर ऑल द पाइसिस पीपल, मैं यहाँ देख रही हूँ आप किसी चीज की तरफ लाइक फोकस्ड है, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग एंड यू आर रियली फोकस्ड, वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स समथिंग, और अपने काम के लिए आप बहुत ही लॉयल है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, और आप बहुत अपना टाइम दे रहे हैं उसमें, राइट, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड आई एम सीइंग लाइक मनी कमिंग इन टूवर्ड्स यू फॉर ऑल द पाइसिस पीपल। यू आर क्रिएटिंग समथिंग, और मे बी हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया बिजनेस में भी हो सकता है, कुछ आपको रिसेंटली कुछ गाइडेंस मिली है थ्रू योर एंजल्स एंड लाइक दैट, और एक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू, राइट। और आपको लाइक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है दिस वीक एंड यू आर एक्सपैंडिंग समथिंग। नाउ वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स हियर, तो जो भी बिजनेस या जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ईयर अगर हम फाइनेंस से रिलेटेड है, यू आर लाइक ऑन लाइक यू आर ग्रोइंग समथिंग, राइट। यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, क्रिएटिंग वेल्थ, क्रिएटिंग अबंडेंस इन योर लाइफ, और कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस हफ्ते में। आई एम सीइंग आप यू आर लाइक गार्डिंग योर सेल्फ, और आप भी यू आर लाइक बींग प्रैक्टिकल, आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी की लाइक वो नहीं कर रहे हैं और किसी पर ध्यान नहीं दे रहे, जस्ट यू आर जस्ट डूइंग योर ओन वर्क। देन वी हैव 10 of Pentacles, सो बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, राइट। लाइक मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम एनी सोर्सेज। देन वी हैव 10, 10, देन वी हैव 20, नंबर 20 इज लाइक इट्स अ जजमेंट। सो एज आई टोल्ड यू कि आप अपनी लाइक गाइड्स, आप मे बी यू आर स्पिरिचुअल पर्सन और आपको गाइडेंस मिल रही है और यू आर टेकिंग दैट गाइडेंस और आप उस स्फीयर में काम कर रहे हैं, लाइक राइट। सो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं, मे बी आप सिंगल मॉम या सिंगल डैड हो सकते हैं। वी हैव एम्प्रेस कार्ड, यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड नर्चरिंग पर्सन, और वैसे भी पाइसेस ऐसे ही होते हैं, राइट। सो मे बी सिंगल मॉम हो सकते हैं यू, एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर बिजी क्रिएटिंग समथिंग, राइट। और मे बी आपने अपने आप को लाइक गार्ड कर रहे हैं, लाइक जस्टिस इज लाइक आपको क्लैरिटी मिल रही है सिचुएशन में, राइट। कुछ ना कुछ मिल रहा है आपको, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। नाउ समथिंग इज एंडिंग इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और कुछ नए तरीके से आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने लाइफ में। नाउ जस्ट डोंट गेट कॉट इन लाइक जो पीपल आपको पुल डाउन करते हैं, तो उन एनर्जीज में आपको नहीं फंसना है, उसमें से बाहर निकलना है, राइट। सो जस्टिस विल बी सर्व्ड, और आपने मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें लाइक लोग आपके लाइक कोई आपके पीछे बात कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बट आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस।
सो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, समथिंग कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं आप बिजनेस वाइज, कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें या कुछ भी करें, बट एज आई टोल्ड यू आपको डेविल एनर्जीज में नहीं जाना है, किसी की नहीं सुननी है, और जस्ट डू योर वर्क जो आप कर रहे हैं. और इस हफ्ते लाइक बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लिए, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ आप एक्सपैंड कर रहे हैं मैं देख रही हूँ. लाइक यू आर बेसिकली डूइंग गुड इन वॉट एवर यू आर डूइंग, और आप फोकस्ड हैं और आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और आपको गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम योर एंजल्स एंड फ्रॉम योर गाइड्स. आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, जस्टिस विल बी सर्व्ड जो भी आप कर रहे हैं. और जस्ट वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से हियर की पाइसिस, फॉर ऑल द पाइसिस, की डोंट लेट एनीबडी पुल यू डाउन, राइट? या किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे थे इन द पास्ट, और कोई आपको लाइक डोंट लेट एनीबडी पुल यू डाउन, और उस चीज़ों में से बाहर निकलिए एंड जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ में क्या है फॉर ऑल द पाइसिस पीपल, उनकी लव लाइफ में क्या है फॉर दिस वीक, फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020 क्या है फॉर ऑल द पाइसिस पीपल. Now, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर कुछ पाइसिस पीपल के लिए हो सकता है कि यू मे बी गेटिंग ऑफर फॉर सम सॉर्ट ऑफ मैरिजेस एंड ऑल, और मे बी प्रपोजल्स, और आपके पास कुछ ऑफर्स हो. लेट्स फाइंड आउट क्या है फॉर ऑल पाइसिस पीपल, उनकी लव लाइफ में क्या है फॉर देयर लव लाइफ फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020. ओके, लेट्स सी. ओके, सो फॉर लव लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग फ्रॉम समबडी, मैरिज इज रिलेटेड आई टोल्ड यू, और कुछ है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आगे आना चाहता है, मे बी आप भी हो सकता है वेट कर रहे हो किसी के आगे आने का या बात करने का. नाउ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बट एक चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ, सी वी हैव अ स्टार कार्ड, तो जो भी आपका रिलेशन है मे बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड मे बी हो सकता है, आप अपने किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट, वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन. मैरिज इज रिलेटेड मे बी आपको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, और मे बी वन मोर देन वन ऑफर, मुझे ऐसा लग रहा है कि चॉइसेस है पाइसेस आपके पास, बहुत सारे चॉइसेस हैं एट द टाइम, लाइक मोर देन वन आपके पास चॉइसेस हैं, और आपको मे बी हो सकता है कोई आपके बारे में किसी से पूछ रहा है या बात कर रहा है और वॉट एवर. नाउ हो सकता है कि कोई आपके साथ बिगनिंग चाहता है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है. वी हैव द एम्परर हियर, तो आपका हो सकता है कि लाइक एज गैप हो, राइट? वो आपसे बड़े हो या वॉट एवर. क्लैरिटी इज कमिंग, एस ऑफ सोर्ड्स, समबडी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, कट थ्रॉट कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ मैसेजेस, और बहुत सारे मैसेजेस एंड कम्युनिकेशन इज गोइंग टू कम, और मे भी हो सकता है, लाइक हो सकता है फॉर पाइसिस. मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ की वजह से हो सकता है एग्जॉस्टेड हो, परेशान हो इन द रिसेंट पास्ट, राइट? कुछ भी हो, या मे भी हो सकता है आप वेट कर रहे हैं किसी का, और मे भी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे थे इन द रीसेंट पास्ट, एंड कुछ एनर्जीज थी ऐसी, मे बी हो सकता है समबडी वॉज नॉट गिविंग इन, और समबडी वॉज लाइक आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे बेसिकली, और मे बी वो किसी और से आपके बारे में लाइक पूछ रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं या वॉट एवर, राइट? देन वी हैव किंग ऑफ सोर्स हेयर, सो मे बी आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, यस वी हैव एयर साइंस हेयर, तो मे बी हो सकता है कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है या आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं. देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, तो समथिंग इज एंडिंग हेयर एंड समथिंग इज न्यू बिगनिंग हेयर, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, तो मे बी हो सकता है कटिंग द टाइज फ्रॉम समथिंग ओल्ड, और जो हो सकता है दैट्स नॉट सर्विंग यू, या मे बी हो सकता है कोई पास्ट पर्सन है, यू आर कटिंग द टाइज एंड समथिंग न्यू इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ, और वर्ल्ड कार्ड इज लाइक एंडिंग हियर, राइट? तो आप कुछ पुराना ख़त्म करके किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं. देन एज आई टोल्ड यू वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्स हियर, सो अगेन आप लोगों का कनेक्शन है, और आप लोग
किंग एंड क्वीन इज़ हेयर और आप लोग कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई ना कोई ज़रूर आपकी तरफ आना चाहता है, बात करना चाहता है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, राइट। सो पाइसिस पीपल के लिए मैं यही देख रही हूँ कि येस डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई ना कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई मैसेजेस ज़रूर आएंगे। मे बी कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो आगे आके आपसे बात करे, बिकॉज वी हैव द एम्परर। और या हो सकता है आपको कोई ऑफ़र मिले, या हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल हो या वॉट एवर। सो यस डेफिनेटली कोई यहाँ मैसेजेस का वेट कर रहा है ना, मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं या आप भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव द एम्परर, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टू पीपल आर इन्वॉल्व्ड हेयर, और पहले मुझे लगता है कि हो सकता है मैरिज वॉज इन्वॉल्व किसी एक पर्सन के साथ आपकी, हो सकता है मैरिज की बात हुई हो और देन वो ख़त्म हो गई हो, एंड देन समथिंग लाइक मे बी हो सकता है कोई नया आना चाहता है हु इज़ वेरी लाइक दे आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी बिजी और लाइक वेरी फोकस्ड पर्सन, वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है एंड ऑल दैट, या बिजी पर्सन हो सकते हैं बहुत, उनके पास टाइम नहीं होता इतना लाइक दैट। सो एयर साइन बहुत देख रही हूँ मैं, फायर साइन बहुत देख रही हूँ, एयर एंड फायर प्रोमिनेंट है, राइट। सो या दैट्स ऑल वी हैव फॉर द रीडिंग फॉर ऑल द पाइसिस पीपल। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।